थाना पुलिस ने किया दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार। लूटी गई कार और मोबाइल किए बरामद। जनपद अमरोहा की रजबपुर थाना पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से लूटी गई कार, दो मोबाइल और कुछ रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीती 26 जून को दिल्ली के रहने वाले अशोक ने रजबपुर थाने पर कार लूट की जानकारी दी थी, जिसका अभियोग पंजीकृत करा दिया गया। जानकारी में बताया कि उसकी कार को दिल्ली शास्त्री पार्क के रहने वाले जुल्फिकार ने पिलखुआ के लिए बुक किया था और वह उसे लेकर आया था, जहां उसे नशीली चीज मिलाकर लस्सी में पिला दी गई और उसकी कार लूटने के बाद उसको गजरौला थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे डालकर चले गए। जब पीड़ित की आंख खुली तो उसके बाद पुलिस के पास पहुंचा और पूरा मामला बताया, जहां आला अधिकारियों के निर्देश के बाद रजबपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले में कार्यवाही शुरू कर दी और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर लूटी गई कार सहित आरोपी जुल्फिकार और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। आखिरी मामला हो चुका ये रजबपुर थाना क्षेत्र में 26 तारीख को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें व्यक्ति ने बताया था कि 25,000 कार को दिल्ली से पिलखुआ के लिए बुक कराया गया था और पिलखुआ में उसको नशीला पदार्थ दे के रजबपुर थाना क्षेत्र में उसको फेंक करके कार और उसकी दो मोबाइल लूट ले गए थे। इस सूचना पर यहाँ से टीम ने इनकी गिरफ्तारी की और 50,000 का दो मोबाइल और 1,000 रुपये बरामद किया।